हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज का ये वीडियो एक नॉर्मल टॉक टाइप का वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि पिछले दो वीडियोस में मेरे को मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने या तो कमेंट करके या फिर इंस्टा पे मैसेज भेज के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा मेरे से कि भैया आपने तो IIT का पेपर दे दिया, बट क्या IIT का JEE एडवांस रियली उतना टफ होता है, क्या हमसे हो पाएगा, क्या हमको कितना टाइम लगेगा सिलेबस कम्प्लीट करने में। मतलब हर बच्चे के अंदर एक टाइप से ये एक अनरेस्ट सी मेरे को दिखाई दी, और बेसिकली मेरे को तो लगता है इसका रीज़न यही है कि जो अपन ने बहुत सुन रखा है इस पेपर के बारे में। अब ये जो सुनी हुई चीज़ें हैं ये क्या है कि IIT के लिए बच्चे चार चार साल तैयारी करते हैं, IIT के लिए बच्चा तो बाथरूम जाता तो भी हाथों में बुक रखता है। मतलब ये जो अलग अलग तरह की अफवाहें मैंने भी अपने टाइम में अपने प्रिपरेशन के टाइम में सुनी थी, बट मैं ये आप सभी को तवज्जो के साथ एकदम अश्योरिटी दे के साथ ही कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। IIT का पेपर एक नॉर्मल पेपर ही होता है, बट हाँ ये होता है कि उसका सिलेबस बड़ा वास्ट होता है, उसके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बट इसलिए नहीं कि वो पेपर टफ है, बट इसलिए कि उसका सिलेबस बड़ा है। लाइक आपको मैथ्स के लिए अलग बुक करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री के लिए बुक करनी है, फिजिक्स के लिए बुक करनी है, सिर्फ NCERT नहीं करनी, हो सकता है दो दो तीन दिन बुक करोगे, इतनी इतनी बुक करोगे, 150 हर एक चैप्टर बनाओगे, तो बस ये क्वेश्चन बनाने हैं, थोड़े बहुत पढ़ना है थ्योरी, यही सारी चीज़ें उसके अंदर, और ये चीज़ है टाइम कंज्यूमिंग। अब लोग यहाँ पर अपना टाइम देने से डर जाते हैं, और यही है जो बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं है, बस सिलेबस बड़ा है। आप इन दो चीज़ों में फ़र्क समझिए। एक होता है पेपर टफ होना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन देखे कि आया कहाँ से है, और एक होता है कि आपने उस चीज़ के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, और पढ़ा जाता है सिलेबस कंप्लीट करके। अब इस एक सिलेबस कंप्लीशन के अलावा एक और चीज़ जो एडवांस में थोड़ी मेंस में ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं अड़ेगी, बट एडवांस में हो सकता है चीज़ खेल जाए, वो चीज़ होती है उनका वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला भी लगभग वही लग जाएगा, बट एक चीज़ वो थोड़ी अलग कर देते हैं बच्चों से, वो होता है क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर देते हैं। जैसे कि अगर एक चीज़ आपको डायरेक्टली बताई जा सकती है कि अ द हाइट ऑफ पोल इज 150 मीटर, मैंने बता दी एक लाइन, आपको समझ में आ गया, काम खत्म। एडवांस इसी को थोड़ा खेल सकता है, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि वो बोल सकता है कि द हाइट ऑफ पोल इज एन इंटीजर, इट इज ग्रेटर देन 149 बट लेस देन 151, दो लाइन बन गई। अब अगर आप इस पेपर को ऊपर से ग्लैंस करते हो जाओगे तो आप लोगों का दो लाइन में पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, इसके अलावा मेन क्वेश्चन तो कुछ और ही है, वो तो अलग ही, वो भी चार पांच लाइन खा जाएगा, तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 7-8 लाइन का। बट इसमें क्या था, कुछ नहीं था, 150 लिखना था, आपको पता है, हमको पता, सबको पता है, डरे कहाँ यहाँ पे लोग, क्वेश्चन की लेंथ देख के। तो बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्वेश्चन का लेंथ, सिलेबस का कंप्लीशन, बस ये दो तीन चीज़ें ही है जो आपके एडवांस के पेपर को डिसाइडिंग फैक्टर बनाती है। तो वो चीज़ डरने वाली नहीं होती, ये चीज़ प्रैक्टिस वाली होती है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको प्रैक्टिस आएगी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू फॉर क्रैकिंग द जी एडवांस इज गिविंग योर टाइम, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सीक्रेट मंत्र आपको कोई भी बताए तो आप उसको मत सुनो, मैं तो यही कहूँगा कि और कुछ नहीं कर सकता, मैंने टाइम दिया, मेरे को फ्रूट्स मिले, तो मैं भी आगे आपको यही कह रहा हूँ, सिर्फ टाइम दो। कहाँ से पढ़ना है, क्या से पढ़ना है, वो सब तो एक अलग चीज़ आती है, वो सब हो जाती है, हर चीज़ अपने आप में अच्छी होती है, बट जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो हर इस पेपर में या हर किसी भी पेपर में होता है, वो होता है आपका उस चीज़ को टाइम देना। आप टाइम दो और श्योर शॉट आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और चीज़ जो बच्चों के मन में आएगी ये सब सुनने के बाद भी कि भाई हम टाइम तो दे देंगे, भैया हम बैठ लेंगे 10-10 घंटा, लेकिन पढ़े तो पढ़े क्या, कोचिंग ज्वाइन करे तो करे कौन सी, या कोचिंग ज्वाइन करनी भी है कि नहीं करनी है। ये जो चीज़ है ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, कोचिंग या ना कोचिंग का मेरा क्या एक्सपीरियंस था, बुक्स मैंने कौन सी की थी, ये तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट क्या करना चाहिए ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस चीज़ों की चॉइस में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, या तो अगले वीडियो में, या हो सकता है आने 2-3 वीडियो के अंदर अंदर आपको मैं कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी ये मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में ये डाउट ना हो कि भैया मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं कर रहा हूँ, या सही कर रहा भी हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये वाला वीडियो बस मैंने आपको इसलिए बताने के लिए कहा था कि आप इतना डरो मत उस पेपर से, जो भी आप अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, टाइम दो, दैट्स इट। बाकी जो आपके स्पेसिफिक बुक्स वाले डाउट है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी तो क्या है, स्टडी हार्ड एंड जस्ट यू नो कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स हु माइट ऑल्सो नीड दिस एडवाइस। That's it from my side. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।